ठीक है, अब इसमें मैं कैमेनो फोर को ऐड करता हूँ। देखिए ये कैमेनो फोर कलर सॉल्यूशन इस गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, मैं जैसे सुबला और आप देखते हैं रीड जेट प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स, आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं सल्फाइड डिटरमाइन करने वाला हूँ, जो कि सॉल्ट एनालिसिस है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे वीडियोज है, आप जाइए उसको चेकआउट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ कोई भी जरूर शेयर कीजिए। तो चलो मैं आपको सल्फाइड का टेस्ट बताता हूँ जो आपको नहीं पता चलता। सल्फाइड मतलब SO3-, सल्फेट मतलब SO4-, और सल्फाइड मतलब क्या SO3-। अगर आपको एग्जाम में SO3-, मिलता तो आपको कैसे टेस्ट करने, कैसे जल्द लगाने, मैं दो स्टेप में आपको करके दिखाता हूँ। और आप उसी अकॉर्डिंगली अपने एग्जाम में ये प्रैक्टिकल करके 6 मार्क्स इजिली कंटेन कर सकते हैं। सो चलो मैं आपको एक्सपेरिमेंट क्या करता हूँ स्टार्ट करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो सॉल्ट आप देख रहे हैं, ये सॉल्ट बेसिकली सल्फाइट है। सल्फाइट मतलब SO3-। सो चलो मैं इसका टेस्ट आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में रिजल्ट मिलेंगे सल्फाइट्स के। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सो इसमें हमें क्या लेना है, थोड़ा सा आपको सॉल्ट लेना है और ये ड्राई टेस्ट है, तो टेस्ट ट्यूब शुड बी ड्राई। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा सॉल्ट लिया हूँ इस ड्राई टेस्ट ट्यूब में। नाउ मैं इसको क्या करूँगा, अभी बहुत ही अच्छे से हीट करूँगा और इसका स्मेल आउट करूँगा। सो मैं इसको हीट करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया हूँ। कुछ टाइम बाद इसमें से स्मेल जनरेट होना शुरू होती है। सो फ्रेंड्स, ये जो स्मेल है, फिलहाल मुझे जहाँ तक पता चल रहा है, ये स्मेल आपका है सफोस्टिकेटिंग स्मेल। अब सफोस्टिकेटिंग स्मेल क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सफोकेटिंग स्मेल है। मतलब मुझे यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो बहुत ही तगड़ा, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे आई नहीं, तो उनका क्या होता है, स्मेल आता है और इसी को बोलते हैं सफोकेटिंग स्मेल। और दूसरी चीज क्या, ये स्मेल से ना ये एसिडिफाइड जो पेपर है, K2Cr2O7 का जो एसिडिफाइड पेपर, ये कैसे होता है, ग्रीन हो रहा है। ठीक है, पेपर इसमें कन्वर्ट हो गया, हमारा ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो पेपर जो ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें सल्फाइड क्या है आपका प्रेजेंट है। सल्फाइड क्या है इसमें आपका प्रेजेंट, फिजिकली आपको ग्रीन दिख रहा होगा, तो ये SO2 की गैस की वजह से होता है। जो पोटेशियम डाइपोमेट का पेपर होता है वो बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रीन में कन्वर्ट देख सकते हैं, आपका ग्रीन में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो चुका है। तो इससे हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ पे जो ये सॉल्ट है, ये SO3-2- का सॉल्ट है, क्योंकि ये K2Cr2O7 पेपर को ना ग्रीन में कन्वर्ट करती है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अगला टेस्ट करने वाले हैं, एक्शन ऑफ डाइल्यूट SO4। यहाँ पे क्या करना है कि आपको सॉल्ट लेना है और उसमें डाइल्यूट SO4 ऐड करना है। तो इसमें से क्या होता है कि कलरलेस गैस जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जिसका जो स्मेल होता है वो पंजेंट स्मेल होता है। और यहाँ पे एक और केमिकल हम ऐड करेंगे K2Cr2O7, जिसकी वजह से ये सोल्यूशन ग्रीन हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें SO3-2- क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, सो चलो मैं आपको SO3-2- टेस्ट यहाँ पे बताता हूँ ड्यू टू एक्शन ऑफ H2SO4 की हेल्प से। ये मेरे पास सॉल्ट है और मैं इसमें फ्रेंड्स क्या ऐड कर रहा हूँ, डाइल्यूट H2SO। सो आफ्टर डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने के बाद इसमें क्या आता है, कलरलेस गैस देखो यहाँ से निकलना शुरू हो गई। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे आपको दिखा, ये देखिए यहाँ पे ये जो गैस है ना, ये निकलना शुरू हो गई है। और ये जो गैस होती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड की गैस, ये जो गैस होती है ना, ये SO2 की गैस है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका जो स्मेल देखना है, तो ये स्मेल जो है ये पंजेंट स्मेल है, स्मेल कैसा है इसका, पंजेंट स्मेल। फ्रूट्स वगैरह कट करते होंगे, ठीक है, तो फ्रूट्स वगैरह जब आप कट करते हैं तो उसका जो स्मेल होता है, उस स्मेल को लोग बोलते हैं पंजेंट स्मेल। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देखते ही मत चले जाए। ठीक है, तो जब वो फ्रूट्स वगैरह को कट करते हैं तो वहाँ पे जो पंजेंट स्मेल जनरेट होता है, उस स्मेल को इसके साथ में मैच करके देखिए, ये पंजेंट स्मेल है। ठीक है, अगर आपको उसको नहीं पता चल रहा है तो इसके अंदर आपको एक टेस्ट करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या है मेरे पास, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये सॉल्ट में है और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का मैंने सोल्यूशन बनाया। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा डालेंगे ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन इसमें, ठीक है, आपको देखिए ये ग्रीन कलर में यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ K2Cr2O7 का सोल्यूशन। आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। सो ये ग्रीन कलर ही हमें कंफर्म कर देता है कि यहाँ पे जो SO3-2- क्या है, प्रेजेंट है। तो आपको एक ग्रीन कलर यहाँ पे बहुत ही प्योर और अच्छा ग्रीन कलर यहाँ पे दिख रहा होगा। एक और मैं आपको टेस्ट बता देता हूँ, उससे आप इजिली जज कर सकते। सो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट वेट टेस्ट है, वेट टेस्ट फॉर एसिडिक रेटिकल, और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैंने यहाँ पे सॉल्ट ले लिया है,
नाउ आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू ऐड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट टेस्टोस्टेरोन, और डाइल्यूट टेस्टोस्टेरोन ऐड करने के बाद हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे कैमेनोफोर। तो कैमेनोफोर का कलर आपको पता है पिंक कलर होता है। आफ्टर एडिंग दिस कैमेनोफोर, अगर इसका जो कलर है कैमेनोफोर का अगर वो डिसअपियर हो जाएगा तो हमें SO4 यहाँ पे SO3 यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रेजेंट। ये है मेरे पास फ्रेंड्स कैमेनोफोर, और इसी को हमें 2 से 3 ड्रॉप क्या करना है ऐड करना। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस कैमेनोफोर। कलर देख सकते हो आप यहाँ पे कैसा कलर, इसका पिंक कलर। अब जैसे इस पिंक कलर सोल्यूशन को मैं इसमें ऐड करता हूँ, ये कलर क्या हो गया यहाँ से डिसअपियर, तो यहाँ पे SO3 2- क्या हो जाएगा प्रेजेंट हो जाएगा, दैट इज सल्फाइड। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो इपर और मैं ये पर 1.5 करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कैमेनोफोर का सोल्यूशन है और ये आपका वो सॉल्ट है, ठीक है। अब इसमें मैं कैमेनोफोर को ऐड कर रहा हूँ, देखिए ये कैमेनोफोर कलर सोल्यूशन, इसमें जाके ये देखिए डिसअपियर, ये देखिए ये क्या हो जा रहा है डिसअपियर। सो फ्रेंड्स चलो मैं आपको सल्फाइट का सीटी करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको OS बनाना रहता है, तो मैंने यहाँ पे सॉल्ट और वाटर ऐड कर दिया है। इसको बहुत ही अच्छे से क्या करना है शेक करना रहेगा, ठीक है। तो आप मिनिमम मतलब थोड़े से सॉल्ट में बहुत सारा वाटर मिला के OS बना सकते हैं, ठीक है। एज मच एज मैं इसको हल्का शेक करूंगा। अब इस OS के मैं 2-3 पार्ट कर लूंगा, क्योंकि हर एक टेस्ट के लिए अलग थोड़ा थोड़ा मुझे OS क्या होगा यूज करेगा, तो मैं थोड़ा सा OS यहाँ पे ले लेता हूँ। बेरियम क्लोराइड, तो ये मेरे पास है बेरियम क्लोराइड, और इस OS में मैं क्या ऐड करूंगा हल्का सा बेरियम क्लोराइड, और बेरियम क्लोराइड ऐड करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसमें ऐड करूंगा। देखिए बेरियम क्लोराइड ऐड करने के बाद आपको PPT दिखना शुरू हो गया रहेगा। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ डाइल्यूट HCl, ठीक है। इसके बाद PPT आएगी, वो PPT डिजोल्व नहीं होनी चाहिए, तो मतलब OS मतलब वाटर एक्साइड प्लस बेरियम क्लोराइड प्लस डाइल्यूट HCl, ठीक है। ये जैसे वाइट PPT आपका आया ना, तो ये वाइट PPT एज इट इज रहनी चाहिए, तो मैं जैसे इसको इसमें ऐड करूंगा, ठीक है। तो देख रहे ठीक है, ये वाइट PPT आपका क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपका SO3 क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे डाल देना है OS देना है, और इस OS में आपको ऐड करना है KPCR2O7। तो KPCR2O7 का मैंने यहाँ पे सोल्यूशन बना के रखा हुआ था, ठीक है। ये K2Cr2O7 एक थोड़ा सा ही ऐड करना है आपको, और इसमें फ्रेंड्स आपको क्या ऐड करना है उसके बाद डाइल्यूट HCl, अगर डाइल्यूट HCl ऐड करने के बाद और यही ग्रीन PPT से हमें पता चलता है कि यहाँ पे SO3 क्या है फ्रेंड्स प्रेजेंट। सो ऐसी प्रैक्टिकल आप देखिए, चैनल से सीखिए, क्योंकि इसको फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड 11th 12th के सारी प्रैक्टिकल से आप चाहिए उसको चेकआउट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ में भी जरूर कीजिए। फिलहाल मैंने SO3 के सारे टेस्ट आपको बता दिए। आपको याद क्या रखना है इसमें, आपको क्या याद रखना है इसमें कि अगर आपको SO3 का टेस्ट करना है तो पहले आप पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में टेस्ट कर लीजिए, लाइक OS पोटेशियम डाइक्रोमेट और डाइल्यूट। अगर आपको ग्रीन PPT मिल जाता है तो आप समझ जाइए SO3 क्या है आपका प्रेजेंट, ठीक है। ये चीजें आप कर सकते हो। दूसरा टेस्ट मैंने आपको कैमेनोफोर का बताया, और वो बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, आपको अपना सॉल्ट ले लेना है, आपको डाइल्यूट HCl ऐड करना है, और 2 से 3 ड्रॉप क्या डालना है कैमेनोफोर डालना है। अगर आपका पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है तो आप समझ जाए कि आपका SO3 क्या है प्रेजेंट। अगर पिंक कलर डिसअपियर नहीं होता है तो आप समझ जाइए आपका SO4 क्या है SO3 क्या है एब्सेंट, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब 8 प्रैक्टिकल फ्रेंड्स। बहुत सारा मेहनत